मन मोहन ओ मोरे कान्हा, विनती करूं दिन रैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, राह तकें मोरे नैन। कान्हा के प्रेम में दीवानी होने की कथाएं आज के इस कलयुग में भी देखने को मिल रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कान्हा की नगरी वृंदावन के निधवन में उस वक्त देखने को मिला जब कान्हा के प्रेम में दीवानी इस युवती को रात के अंधेरे में बमुश्किल वन के अंदर से खोज निकाला गया। तब जाकर पता चला कि ये कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई प्रेम दीवानी किसी की परवाह किए बगैर अपने आराध्य से मिलने के लिए अपने घर बार को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर वृंदावन आई है। इससे पहले आपने भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत मीराबाई ने जहर तक पी लिया और वो प्रेम ही था जिसकी वजह से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कुछ ऐसी ही कहानी कलयुग की इस मीरा की भी है, जो कान्हा के प्रेम में ऐसी दीवानी है कि अपनी सुदबुद होकर अपने कृष्ण से मिलने वृंदावन आने को मजबूर हो गई। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही ये कृष्णा की दीवानी पटना की रहने वाली है। आपको बता दें कि कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर ये कलयुग की मीरा श्री धाम वृंदावन चली आई और 3 दिनों तक छुपती छुपाती घूमती रही। एक लड़की कोई निधवन में है और वहाँ निधवन में छुप गई है और उसे हम अभी लेके आ रहे हैं, तो बहन जी इसकी व्यवस्था करनी है। मैं चौकी पहुंची तुरंत, मैंने बातचीत की इस लड़की से तो ये बात करने को ही तैयार नहीं थी, बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से बोली मैं अकेली कहीं जाऊंगी और मतलब रुकने को तैयार नहीं थी। मीना की माने तो उसने YouTube के माध्यम से जानकारी जुटाई थी कि आज भी कृष्णा वृंदावन के निधवन में राधा रानी के संग रास रचाने आते हैं। फिर क्या था, मीना ने भी कृष्ण नाम की माला हाथ में धारण कर ली और निकल पड़ी अपने घर से। जब इस बात की जानकारी युवती के परिजनों को लगी तो वो भी वृंदावन आ पहुँचे और अपनी बेटी को सकुशल देख कर उन्होंने राहत की सांस ली है। सिमली पटना सिटी छोटी मंदिर पटना 8। जब क्या लड़की आई थी, कब आई थी वृंदावन और क्यों आई थी? 28/11 को मैंने घर से निकली थी जी, मैंने जांच कराने के लिए निकली थी लेकिन जांच कराने घर पहुंची नहीं, मैंने वृंदावन चली आई बिना कहे हुए है। रविवार को चौकी से को वृंदावन चौकी से फ़ोन आया था जी, 1/12/2019 को जी, कि आपकी बच्ची वृंदावन में है, तो मैंने तुरंत वहाँ से आने की कोशिश की, हमारी लड़की हमारे सुरक्षित मिल गई है। युवती के परिजनों और समाज सेविका डॉक्टर लक्ष्मी गौतम के बमुश्किल समझाने पर वो मान गई और फिर घर वापस चली गई। वो समझा बुझा के इसकी काउंसलिंग करके मुझे मेरे साथ भेजा, मैंने इसकी काउंसलिंग की, मेरे घर आई है। घर आके मैंने इसको रात में काफ़ी देर तक समझाया परंतु ये किसी भी तरह से बात मानने को तैयार नहीं थी। इसके फादर से भी बात की मैंने, तो बोले कि हम ट्रेन से चलती हैं और हमको लगभग 24 घंटे लगेंगे 22 घंटे लगेंगे। तो कल रात को इसके फादर भी आ गए। जब मैंने इस लड़की से बात की तो इसने बताया कि मैं यूट्यूब पर किताबों में भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ती हूँ और मुझे ये पढ़ने से मिला और यूट्यूब में मैंने देखा कि निधवन में आज भी भगवान रासलीला करने आते हैं, तो मैं भगवान की लीलाएं देखने आई हूँ। वैसे ये मेडिकल की छात्रा है और रात में ये इसी आशय से रुकी थी कि इसको रासलीला के दर्शन होंगे। इसकी भक्ति भावना है, भगवान में इसकी आस्था है और आज इसके पिताजी आ गए सुबह और सुरक्षित और सम्मानित तरीके से और स्वस्थ इसके पिताजी के सुपुर्द कर दिया है। ये यहाँ घूमती हुई मिली थी लड़की से पता किया तो कि मैं वहाँ पटना की रहने वाली हूँ, वहाँ से निकल आई हूँ ठाकुर जी के प्रेम में और यहाँ दर्शन करने आई हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ निधिवन है, ये तो यूट्यूब से देखा इसलिए तो उसके प्रेम यहाँ आ गई। हमने इनके घर वालों को सूचना की कि आपकी लड़की यहाँ है तो ये वहाँ से चल दिए, इनकी लड़की इनकी सुपुर्द कर दी गई है। कान्हा का दीवानापन आज से नहीं द्वापर युग से ही सुनने और देखने को मिलता चला आ रहा है, जिसके कई उदाहरण समय समय पर सामने आते रहे हैं। जैसे कि एक दिलचस्प मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वे राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती थी लेकिन उनका विवाह एक गोप से होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण से कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मरणोपरांत भी कृष्ण प्रेम में कोई कमी नहीं आई बल्कि बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया और फिर कृष्णा के प्रेम में सराबोर होकर अपने प्रेम का इजहार भगवान श्री कृष्ण से कर आज भी याद की जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।